थर्ड हाउस में नाउ दैट इज ब्रिंगिंग दैट इमोशनल थिंग इन द साइन ऑफ राइटिंग और ये सब चीजें तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ देर विल बी थर्ड हाउस दैट विल बी गोइंग टू डाई। सो डेफिनेटली द सिबलिंग्स और इनसे आपका रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स हैं आपके, आप इनके साथ बहुत घनिष्ठ थे एकदम, जैसे कि तुम तो मेरी सब कुछ हो, हम बहन साथ ही रहते हैं, शादी नहीं करेंगे, इकट्ठे रहेंगे, ऐसा था। फिर अचानक से आज फोन से बातें भी नहीं होती, थर्ड हाउस मून। सो दैट विल बी, इट विल स्विच। शादी पेपर वर्क है, रिलेशनशिप इज हमारी आपकी सहमति। इसीलिए सेजिटेरियस इज द साइन ऑफ मैरिज, लीगल मैरिज, जहां पे धर्म परायण आपने कहते धर्म पत्नी बनी, तो दैट इज सेजिटेरियस। तो मून सेवन नाइन्थ हाउस में हो वो भी खतरनाक है। मून सेवन में हो तो चलो ठीक है, तो जहां मून बैठा है वहां पे बहुत जल्दी आप इस तरह से फूल की तरह मुरझा जाएंगे, कभी खिल जाएंगे कभी मुरझा जाएंगे, ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई स्थितियां हैं, प्रकृति थोड़ी ना आपके फूल को देख के आएगी कि भाई ऐसा नहीं है। प्रकृति तो अपना सूर्य तो अपना प्रकाश डालेगा कि भाई जिसे ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा ले, जिसने मुरझाना है मुरझाए, हमसे क्या मतलब। तो वैसे जीवन की परिस्थितियां हैं। हाँ, आपका मन जल्दी जल्दी वहां मुरझा। इट फोर्थ हाउस गिव्स यू द एम्पैथी। एम्पैथी मतलब समझ रहे हो, किसी के लिए दया भावना करुणा भावना देने का काम करता है फोर्थ हाउस। सो जब भी कोई ऐसा प्लैनेट जो मार्स है, जो राहु है, जो सैटर्न है, वो आ रहे हैं, तो वो एम्पति को ले जाएंगे, उसके भीतर में करुणा दया भावना चली जाने लग जाएंगी, कम होने लग जाएंगी, ऑन ही विल बिकम अ क्रूअल पर्सन। क्रूअल पर्सन मतलब समझ रहे हो, जो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऐसे केसेस जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा है, तुम यू विल फाइंड हस्बैंड के चार्ट में यू विल फाइंड मार्स इन फोर्थ हाउस, मार्स मार्स राहु इन फोर्थ हाउस, मार्स केतु इन फोर्थ हाउस, एक्सट्रीम केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है। बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है, फट पड़ता है, कोई भी चीज उठा उठा के फेंकने लग जाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई वो जो टेम्परामेंट है वो कंट्रोल में नहीं है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। किस बात पे बंदा गुस्सा हो जाए हमें पता ही नहीं है, इट्स लाइक अ टिकिंग बॉम्ब। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस में तो कभी पता नहीं, सब अनस्टेबल है। क्यों? फोर्थ हाउस तो मूड को रिप्रेजेंट करता है। अब वहां पे एक ऐसा प्लेनेट है जो अलग क्रोध पैदा कर देगा, तो अलग सा मूड आ जाएगा अचानक से। व्यक्ति हंस रहा खेल रहा है, अचानक से गुस्सा होगा, किस बात पे पता ही नहीं। सो इट्स लाइक अ टिकिंग बॉम्ब, फोर्थ हाउस मार्स, ठीक है। सो दैट कैन ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, दैट जो एम्पथी खो दे, मतलब समझो कि क्रूरता करते समय या कोई व्यक्ति को मारते समय या परेशान करते समय ये व्यक्ति यही तो भूल जाता है कि वो चीज उसके साथ होती तो कैसी होती। और मून यही रियलाइजेशन देता है, मून एम्पथी देता है, दया देता है, करुणा की, हाय भगवान रे मेरे को नहीं मिला तो इसको तो मिल जाए, ऐसा भाव देता है। और जब यहां पे फोर्थ हाउस डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है, सो वो करुणा वो दया भावना छूटना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जितना बलवान हो जाएगा फोर्थ हाउस, उतनी ज्यादा एम्पति बढ़ती चली जाएगी, उतना ही व्यक्ति। आई रिमेंबर समबडी हैविंग जुपिटर कैंसर, जुपिटर इन लगन, ये बंदा सड़क चलते रो रहा है। सड़क चलते क्यों रो रहा है? बोले हाय भगवान, वो बच्ची देख लिया था मैंने, बेचारी भीख मांग रही थी, अब रो रहा है। एम्पति ज्यादा हो गई ना। ये अकेल राहुल भी मून अच्छा ही होगा, जो उसने कोहली को सेंचुरी बनाने दी, खुद की मिस हो गई उसकी। चार्ट नहीं ऐसा देखा मैंने, बट होता कुछ ना कुछ होगा उधर मून का कनेक्शन। है आई डिडंट गेट टू वापस हिट अ सेंचुरी, उसको तो बनाने देता हूँ मैं। वही है कि मून मून हैज ए लॉट ऑफ एम्पथी इन इट, बहुत ज्यादा एम्पथी देता है, और वो चीज इमोशनली है। और मून जहां बैठेगा वहां पे आप उसके प्रेम से करवा लीजिए तो सब कुछ कर देगा, वो प्रेम से अपने आप को सब कुछ दे देगा। लेकिन मून को आप जबरदस्ती करे या जो आप फोर्सफुली करे या उसको इंस्ट्रक्शन दिए, तो वो कहीं ना कहीं फिर उसका मन नहीं लगेगा वहां पे। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे 10th हाउस में किनका है, 10th हाउस में प्रतिमा जी का मून है। प्रतिमा जी से अगर बॉस प्रेम से कहते कि बेटा ये काम कर दो, प्रतिमा जी घर जाएंगी नहीं, प्रतिमा जी कहेंगी मैं ये आज सच तो मैं है, 12 बजे रात में करके जाऊंगी सर, लेकिन आपका मैं काम करके जाऊंगी, इतना तो है। मेरे लेकिन सारे मैनेजर अगर वो वाला कैरेक्टर जान गए मेरा, वो लोग झगड़ा करते तो मैं काम करती ही नहीं हूँ, फिर वो लोग अच्छे से बात करना स्टार्ट कर देते मैं कर देती हूँ। भाई प्रेम से बोल तो वो सब कुछ करने को, तो मून जहां बैठा है वहां से उससे प्रेम से ही होगा, उससे डांट के फटकार के उसने तो करना ही छोड़ देना। फिर उसने जैसे ना अस्त्र शस्त्र रख दिया, क्यों? क्योंकि उसका दिमाग, मून जैसे ही, मून इज लाइक अ फूल, इट्स लाइक अ फ्लावर, फ्लावर को जरा सा भी हीट दो वो मुरझा जाएगा तुरंत, तीक्ष्ण गर्मी लगी मुरझा गया। उसे प्रेम से छिट्टा उट्टा मारते रहो, पानी का है ना स्प्रे करते रहो, तब तो वो खुश है। इट्स लाइक दैट।
तुम जहां मून बैठा है वहां पे बहुत जल्दी आप इस तरह से फूल की तरह मुरझा जाएंगे, कभी खिल जाएंगे कभी मुरझा जाएंगे, ऐसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई स्थितियां हैं, प्रकृति थोड़ी ना आपके फूल को देख के आएगी कि भाई ऐसा नहीं है। प्रकृति तो अपना सूर्य तो अपना प्रकाश डालेगा कि भाई जिसे ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा ले, जिसने मुरझाना है मुरझाए, हमसे क्या मतलब। तो वैसे जीवन की परिस्थितियां हैं। हाँ, आपका मन जल्दी जल्दी वहां मुरझा जाएगा, मन बोलेगा कि नहीं अब मेरे को नहीं करना यहाँ पे, मेरे से काम नहीं होगा। ठीक है, कोई बात लग गई, कोई कुछ नहीं, बस छोटी सी बात थी, किसी ने कह दिया बेवकूफ नहीं तो ऐसा बोल दे, बस आपका हो गया खत्म। आपके लिए आप ये नौकरी से सर रिजाइन, इतने मोटे मोटे आंसू गिरते रहेंगे आपके दिन भर। क्यों? क्योंकि दैट इज हाउ अ मून इज वेरी सेंसिटिव इन हिज अप्रोच। ठीक है, और जब ये लगन पे बैठ रहा है तो फिजिकल पूरा जीवन ही सेंसिटिव हो गया है, पूरा जीवन ही सेंसिटिव हो जाएगा ना ऐसे व्यक्ति का। इसीलिए लगन कैंसर का, उस पर जुपिटर बैठा हुआ, सो ऐसा व्यक्ति बहुत सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव। इसको 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 इसको, इसको छुपा के रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई ये अगर ज्यादा देख लेगा तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा, मतलब ज्यादा देख लेगा और इंसान, एक संसार को चीज ज्यादा मैंने देख लेगा। दिमाग की है सर, जिसका नाम सौम्य होता है, सोम भी वो मून का ही नेम है ना, वही लोग ज्यादा सुसाइड हाँ करते हैं, बहुत हाँ सुसाइड करते हैं। करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। क्यों? क्योंकि मून दैट मैन मून गिव्स यू दैट थिंग ऑफ लाइक ना, बहुत जल्दी हर्ट हो जाना चीजों को, बात को दिल पे ले लेना। ठीक है, और यही जिसका सैटर्न फोर था उसका, उसको गालियां देते रहो, उसने सुनना ही नहीं है तुम्हारी बातें। तुमने बोल लो जितना बोलना है। ठीक है, सैटर्न कैंसर, सैटर्न फोर था दे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी कहे, क्योंकि मून को बहुत फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे। मून ही है वो जो कहता है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, ये है मून। ठीक है, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव है कि मेरी इतनी बेइज्जती कर दी किसी का कैंसर, लियो में मून हो जाए, इसको लगता है हर बात में इसकी बेइज्जती हो रही है, मेरी बेइज्जती कर दी। बताओ, ऐसा कुछ लोग होता है कि अरे सबके सामने था, मेरे से पूछा ही नहीं, मेरी बेइज्जती हो गई। क्यों? क्योंकि फूल है ना। अब फूल कहाँ बैठा है? एक सेंसिटिव हाउस में जहां पे सम्मान मिलता है, लियो सम्मान का कारक है। सन भी होगा तो सन कैंसर के साइन होगा, बेइज्जती हो गई। बताइए, इतने इतनी जोर से आपने मेरे से बोल दिया, कोई तमीज है आपको? इतनी तेज मेरी बेइज्जती कर दी आपने, इस तरह से लोग होते ना कहते हैं वाले। दैट इज हाउ मून इज। मून का बहुत सेंसिटिविटी इतना हाई हो जाता है कि वो बहुत जल्दी जल्दी चीजों को लेकर के अपने आप को अपमानित कह लो, वो कह लो, होना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो इसीलिए ल्यूनेटिक है, इसीलिए बोलते हैं कि ल्यूनेटिक नेचर है आपका वहां पे, जब तक चीजें, दैट इज योर फोर्थ हाउस। सो फोर्थ हाउस का चीजें इस तरह से आएगी। ठीक है, अदर टेक्निक है, अदर टेक्निक, नेक्स्ट टेक्निक जो है वो है रिगार्डिंग डेथ। मून जहां बैठता है इट हैज टू डाई वन डे। मून हैज दिस नेचर ऑफ डेथ। मून बदलते बदलते अमावस्या पे पहुंचता है एंड देन इट रीस्टार्ट्स। बता दो, शुरू से शुरू करते हैं, दैट विल बी द बिकम द टेंडेंसी लाइक। ठीक है, अब ये अगर ऐसे हाउसेस हो जहां जैसे कैंसर में मून बैठा हो, तब तो बहुत ही प्रोमिनेंट है, तब तो बहुत ही अपना प्रोमिनेंट इन फैमिली द सेंस कि छोड़ेगा और एक फैमिली में जाएगा। अपना फैमिली छोड़ेगा, दूसरे फैमिली में जाएगा, अपना घर छोड़ेगा, एक घर बनाएगा, फिर बोलेगा कि नहीं मन लग रहा, कुछ तो वास्तु दोष निकल गया है, दूसरा बनाते हैं, ये छोड़ो, इसको पूरा डिमोलिश कर देंगे, इसके दिमाग में ये सब बातें आ जाएंगी। ठीक है, जहां रह रहा है वहां मन नहीं लगेगा, फिर बोलेगा दूसरी जगह रहते हैं। ठीक है, वो वाली चीजें आ जाएंगी। सो मून वेर एवर इट इज, इट विल सिट, और द साइन ऑफ कैंसर वेर एवर विल सिट, इट विल डाई वन डे इन दैट हाउस, इन दैट प्लेस, वहां पे मरना पड़ेगा। सो कैंसर इन लगन, सो दिस नेटिव इज टोटली डिफरेंट वॉट ही वॉज बिफोर 24 एंड आफ्टर 24। 24 से पहले, 24 के बाद पूरी पर्सनैलिटी बदल चुकी होती है। समबडी डाइड एज अ पर्सनैलिटी वाइज, टोटली डाइड, डेथ हो गया एंड अ न्यू पर्सन इज बॉर्न, अ टोटली न्यू पर्सन इज बॉर्न। ठीक है, जिसकी विचारधारा, जिसकी बात चलन, सब कुछ बदल जाता है, उसमें से एक मैं भी हूं। क्योंकि मैं 24 से पहले और मैं 24 के बाद बहुत ही अलग व्यक्ति हूँ। 24 से पहले आई वॉज जस्ट अ नॉर्मल किड, लाइक ना जस्ट लर्निंग, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे, चीजें कर रहे, थिंग्स हैपेंड। 24 के बाद आई वॉज टोटली डिफरेंट पर्सन। लोग खुद, मेरे दोस्त आज तक मुझसे कहते हैं कि क्या हुआ था ऐसा, है ना, क्या, व्हाट हैपेंड एट दैट ड्यूरेशन की तुम्हारे अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना चेंज आ गया। ठीक है, सो थिंग्स हैपन 24 की एज के अराउंड, एंड देन मूविंग फर्दर, जिस हाउस में जहां बैठेगा, जैसे कि किसी का सेकेंड हाउस में कैंसर बैठ जाए, अब फाइनेंस तो जाना है ना, एक बार तो बैंकरप्सी देखनी है, खाता जब तक शून्य ना हो जाए,
जेमिनाय के खाते शून्य होंगे और फिर बढ़ेंगे। ऐसा जीवन में कई बार होगा, 3 बार होगा। पूरा पैसा लुट गया, जीवन बैंक बैलेंस 0 दिखा रहा है, बैंक वाले फोन कर रहे हैं, मैडम आपका 100 रुपये बचा है, वो भी निकालना है क्या? तो बोले नहीं, पैसे डाल रहे, रुको, है ना, तो बैंक बैलेंस 0 होना, फिर वापस से पैसे आना। इस तरह से मुख मुख सौंदर्य कभी फेस पे जाना, बहुत मैं कैसी दिख रही हूँ या ये हो रही हूँ, फिर बहुत अच्छा ऐसा मेकअप वेकअप करके आना, और फिर छोड़ो हटाओ, कौन मेकअप करे, ठीक है, वैसा वाला हो जाना, ठीक है। तो सेकेंड हाउस की जितनी चीजें हैं, फूड के रिगार्डिंग में स्विचिंग, हमेशा चेंज चाहिए कि थोड़ा तड़का वाला आज चलता है, आज जीरा जल बनाते हैं, आज पानी के पूरी खाएंगे, कुछ और खाएंगे, तो वो सेकेंड हाउस में वो चल रहा है, ठीक है, कैंसर का साइन है। बट मोर सो फाइनेंशियल वेल्थ, रिसोर्स, एसेट्स, इन सब के मैटर्स में कैंसर विल अफेक्ट। सो मून इन सेकेंड हाउस, तुमको मालूम है ये बंदा बैंकरप्ट होगा जीवन में। मून सेकेंड हाउस या वीनस इन सेकेंड हाउस, वीनस और मून का कंजंक्शन विल गिव यू बैंकरप्सी। दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बैंकरप्सी, कि पूरा पैसा शून्य हो जाएगा एक बार, और फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी आपको। दैट इज वेयर द डेथ हैपेंस, और ये चीज सेकेंड हाउस में प्रोमिनेंट होगी। 11th हाउस में होगा तो भी होगा, लेकिन अर्निंग चली जाएगी। 11th हाउस में क्या होगा, अर्निंग ऐसी होगी जो आपकी डाउन जाएगी फिर आप आएगी। तो इसका मतलब अगर मून 11th हाउस में हो जाए कोई व्यक्ति, तो नौकरी नहीं कर सकता, ये तो सूत्र बन गया, वो बिजनेस ही करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पैसा, कंसिस्टेंट पैसा नहीं चाहिए। उसे कैसा पैसा चाहिए, कि कभी बढ़ के आए, कभी आए तो इकट्ठे 1 लाख रुपए है, और कभी मतलब वो इनकंसिस्टेंसी लाएगा ना, और सैलरी तो फिक्स मिलती है। तो इसीलिए मून 11th हाउस में ऐसा व्यक्ति नौकरी नहीं कर सकता, ये बात लिखने लायक है। कैंसर भी होगा 11th हाउस में, तो तब भी ये चीज होगी, तब भी फाइनेंशियल चीजें आपकी बदलती रहेंगी। हो सकता है नौकरी करे, कैंसर है, मून मून अगर कैंसर में बैठा हुआ मून है तब तो मुश्किल है नौकरी करे, बट अगर कैंसर है तो भी आपका गेंस जो होगा कंसिस्टेंटली नहीं होगा, पैसे ऊपर नीचे आएंगे जाएंगे, होते रहेंगे, ठीक है। आपकी कोशिश होगी कि दूसरे माध्यम से कहीं ना कहीं वो गेंस मिले, चीजें मिले, ठीक है। 12th हाउस में होगा मून या कैंसर, 12th हाउस रिप्रेजेंट वॉट, स्लीप, स्लीप पैटर्न्स को रिप्रेजेंट करता है ना, पीस को रिप्रेजेंट करता है, शांति को रिप्रेजेंट करता है। सो दैट विल बी नॉट कंसिस्टेंट, मतलब कभी आपकी नींद हो रही है पूरी नहीं हो रही है, इनकंसिस्टेंसी नींद हो जाती है। लियो लियो का प्रॉब्लम है स्लीप का, क्यों? क्योंकि लगन पे एक तो फायर है, दिमाग पे सोने नहीं देता वो ढंग से, ठीक है। थर्ड हाउस में कैंसर जाएगा, तो थर्ड हाउस में नाउ दैट इज ब्रिंगिंग दैट इमोशनल थिंग इन द साइन ऑफ राइटिंग, और ये सब चीजें तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ देर विल बी थर्ड हाउस दैट विल बी गोइंग टू डाई। सो डेफिनेटली द सिबलिंग्स और इनसे आपका रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फ्रेंड्स हैं आपके, आप इनके साथ बहुत घनिष्ठ थे एकदम, जैसे कि तुम तो मेरी सब कुछ हो, हम बहन साथ ही रहते हैं, शादी नहीं करेंगे, इकट्ठे रहेंगे, ऐसा था, फिर अचानक से आज फोन से बातें भी नहीं होती। थर्ड हाउस मून, सो दैट विल बी, इट विल स्विच एनी केस, और इट विल डाई इन दैट हाउस, थर्ड हाउस में, ठीक है। कम्युनिकेशन बिल्कुल बदल जाता है, द वेरी वे यू विल बी कम्युनिकेटिंग, टॉकिंग, एक्सप्रेसिंग, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। दैट इज योर थर्ड हाउस में कैंसर हो। शादी पेपर वर्क है, रिलेशनशिप इज हमारी आपकी सहमति, इसीलिए सेजिटेरियस इज द साइन ऑफ मैरिज, लीगल मैरिज, जहां पे धर्म परायण, आपने कहते धर्म पत्नी बनी, तो दैट इज सेजिटेरियस। तो मून 7th 9th हाउस में हो वो भी खतरनाक है। मून 7th में हो तो चलो ठीक है, मून 7th में हो तो चलो ठीक है, ठीक इसलिए है क्योंकि चलो भाई रिलेशनशिप होगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी, रिलेशनशिप हुआ उससे पहले जो जो हो जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 7th हाउस से ज्यादा खतरनाक 9th हाउस का मून है, क्योंकि अब तो धर्म के क्षेत्र में आपका जा रहा है। तो आप तो कह रहे हो कि भाई इतना पूजा पाठ करके आपकी शादी हो, या आप एंड योर माइंड इज सेइंग नहीं, मैं नहीं मानता, मैं शादी नहीं मानता। मून इन 9th हाउस क्यों? क्योंकि सजिटेरियस, या कह लो कि 9th हाउस इज टोटली अपोजिट टू कैंसर। कैंसर वो है जो जो सजिटेरियस नहीं है, समझ रहे हो? दोनों के बीच में द्वंद है, इसीलिए मून का उठ करके बैठना सेजिटेरियस में इज नॉट अ वेरी, देखना मतलब नॉट अ वेरी, कह लो कि बड़ा टिपिकल है। एक तरफ तो ये बंदा बड़ा धार्मिक है, बड़ा गुरुओं के पास जाएगा, बड़ा पूजा पाठ करेगा, और दूसरी तरफ भाग से शादी कर लिया, यू विल बी लाइक कि ये क्या है,
मून ही नाइन हाउस एक तरह तो बड़ा बढ़िया तरीके से मतलब कह रहा है कि हाँ मैं तो पूजा करता हूँ, ये वैष्णो देवी मैं जाता हूँ, हर बार साईं बाबा के भक्त चढ़ाऊंगा, एंड अचानक से तुम उसकी स्टोरी सुनते हो कि किसी किसी के साथ भाग के शादी कर लिया, थिंग्स हैपन इन दैट वे। सो दैट इज वॉट मून इज, समझ रहे हो? उसका फ्लेवर किस तरह से बदल जाए, कब बदल जाए, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो 9,000 जहां पे भी मून बैठा है वहां पे आपका भरोसा नहीं है, आप कब बदल जाओ। तो एक मन की बात मून 9,000 की जो आप बात कर रहे हैं, मैं हंसी इसलिए आ रही है अभी एक, तो दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली में बॉर्न चाइल्ड, मतलब अब तो बड़ा हाँ हो गया, अब तो अडल्ट है। 9,000 में जुपिटर मून सैटर्न तीनों बैठे हुए थे, कैप्रिकॉन असेंडेंट था, ठीक है। शादी हाँ हुई है, वो उन्होंने अपना धर्म छोड़ के, लाइक बेसिकली मून 9th है, तो अब वो गुरु, अब उसने हिंदुइज्म छोड़ के कोई बाबा जी के चक्कर में पड़ गया, ठीक है। हाँ अब बाबा जी ने बोला आप इस लड़की से शादी कर लीजिए, शादी कर ली हाँ बाबा के कहने पर। 10-12 साल शादी चली, बाबे ने बोला 12 साल बाद शादी, अब तू छोड़ दे इसको, छोड़ दिया, नो क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। मतलब ये है मून 9,000, हाँ बच्चा है साथ फिर में, इस तरह का बिहेवियर, वही ठीक है। तो, मतलब यू विल थिंक लाइक व्हाट इज दिस, क्यों कर रहा है ये ऐसा, बट वो वही इसका मून ही सेंस जाने। नहीं है, सिर पैर नहीं है, मून ही हाँ जाने, वैसे ही बात है। बस जहां पे भी मून है उसमें लोग कहेंगे कि है ये कैसे कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। समझो ना, सैजिटेरियस एक्चुअली वो कॉन्शियस ब्रेन है आपका, जो राइट और रॉन्ग बताता है, लाइक और डिसलाइक बताता है, और मून वहां बैठ जाए। अब लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये राइट कैसे है यार, ये रॉन्ग कैसे, मतलब क्या समझाऊं मैं इसको। सुने मतलब कि बोले कि जब बुद्धि में इमोशनल आ जाए तो फिर बुद्धि सोच नहीं पाती, एंड दैट इज व्हाट इज 9th हाउस, इज बुद्धि, इज द लॉजिकल ब्रेन, इज द परसेप्शन, हाउ विल यू सी, और वहां पे इमोशन बैठा हुआ है, यू वोंट बी एबल टू। दैट इज वाई स्कॉर्पियो लगन पीपल आर ऑल्सो सिमिलर टू दिस, क्यों, क्योंकि कैंसर, इनसे इमोशनल चीजें ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है, इमोशनली चीजें होने को हो सकती है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा चीजें अगर इस तरह से हो जाए, रिस्ट्रिक्ट करे, रिस्ट्रेन करे, है ना, धर्म का पालन करे, ये सारी चीजें, तो वो वहां पे कैंसर कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है, समझ रहे हैं। सो दैट इज मून 9th हाउस में आई सीन पीपल मैरिंग, भाग के शादी है, रन अवे मैरिजेस है, और पीपल मैरिंग टू डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कस्टम्स, पीपल मैरिंग इन लाइक ना वेरी अनकन्वीनियंट, लाइक बहुत ही अलग तरीके से, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो मून 9,000 नहीं था, कैंसर, लाइक स्कॉर्पियो असेंडेंट्स का जो आप बोल रहे हैं ना, आई मीन आई हैव सीन सो मेनी स्कॉर्पियो असेंडेंट्स हुज, अगर अगर मून हल्का सा भी अफ्लिक्शन में आ जाए तो कई बार गुरु